इन क्रॉस 35 हाउस प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 16x35 फीट में पूरा घर बनकर रेडी हुआ है, इसी को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने इसका ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर क्रिएट किया है। या अगर मॉडल की बात करें तो आपको बेहतरीन सा देखने को मिलता है, लो बजट देखने को मिलता है, मॉडर्न डिजाइन भी मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मैंने तीन झाम नहीं क्रिएट किया है क्योंकि उसमें फिर आपका बजट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यही पूरा प्लान है 16x35 फीट में जो मैंने आपको बताया है। तो बनेश वुडम लगातार मैं उपन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं। तो जो आज का प्लान है 16x35, 16 फीट इसका चौड़ाई, 35 फीट लंबाई, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर को मैं डिस्कस करूंगा। मैं पहले जूम करके आपको दिखा देता हूं इसका रियलिस्टिक व्यू कि जूम करने पर आपको कैसा दिखता है। क्योंकि रेलिंग वगैरह का आप डिज़ाइन देख लीजिए, इसका रेलिंग है जो नॉर्मल से मैंने क्रिएट किया है और ये आयरन का है जो को आपको मार्केट में मिल जाएगा, बना बनाया भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये पूरा देखिएगा, मैंने जूम करने पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जिसको मैं डिस्कस करूँगा। ये स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जाएंगे और ये आपका स्लोप भी है, ये आपका मेन डोर है, ऊपर जारी है। ऐसा ही मैंने मॉडल पहले भी ये क्रिएट किया है। और ये आपका एक विंडो है जिसमें ये आपको जो येलो कलर की पट्टियाँ देख रहे हैं डिजाइनिंग के पर्पज से क्रिएट किया। मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं हॉल में। और इस हॉल की अगर हम बात करें, ये मैंने पहले क्रिएट किया आपको तो 18 फीट उसकी चौड़ाई थी लेकिन इसकी 16 फीट चौड़ाई है। और इस बिल्कुल सेम मॉडल है ये, यहाँ स्टेयर से आप जाएँगे और ऊपर आकर चल जाते हैं। उसी के नीचे लेटेंट बाथ क्रिएट कर दिया। इसके बाद ये मेन डोर है जिससे आप अंदर जाएंगे, ये विंडो है। जैसे जाते हैं आपको लिविंग एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक बड़ा सा, और पीछे की साइड आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है जो कि सेपरेट है। उसकी जस्ट बगल में किचन का एरिया, तो ये आपका किचन एरिया, ये बड़ा सा बेडरूम, ये लिविंग एरिया और ये आपका पार्किंग एरिया फ्रंट में, और स्टेयर्स उसके नीचे लेटेंट बाथ। फ्रंट की डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी है। और मैं बताना चाहता हूं अगर दोस्तों आप ऐसे ही घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहां पर कांटेक्ट करें, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझूंगा, इसके बाद आपका घर क्रिएट करता हूँ। लेकिन वो हमारी पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो ये इसका चारों तरफ यहाँ पर डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है। फ्रंट की अगर बात करें तो ये रेलिंग जो को मैंने आपको पहले दिखाया था, इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये आपका पूरा डिटेल, जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया जो था वो एक एज अ बेडरूम वर्क करेगा, या ऊपर आपका एज अ पार्किंग एरिया अगर रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। अगर इसे क्लोज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लोज कर दें तो आपके बेडरूम बड़ा सा एक क्रिएट हो जाएगा। पीछे वाले एरिया की बात करें तो पीछे वाला एरिया भी वही सेम, ये पार्किंग आपका लिविंग एरिया, ये बेडरूम, ये किचन, स्टेयर्स के लिए से लेट एंड बाथ। तो फ्रंट की एलिवेशन की बात करें, ये पट्टियाँ मैंने डिजाइनिंग के पर्पज से लगा दी हैं, ये रेलिंग आपको बेहतरीन से क्रिएट कर दिया है। वेंटिलेशन के लिए फ्रंट में लेट के साथ एक विंडो जो कि अब अप टू 7 फीट होगा, ये मैंने क्रिएट किया। बात करें अगर हम इसके लास्ट फ्लोर की, दैट्स दिस 3 फिट है, 3.5 फिट, 3 फिट है, 6 इंच का लगभग बाउंड्री ओवरऑल। और फ्रंट का जो एलिवेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम टू सेम ये गुमटी मैंने क्रिएट किया, बरसात में से पानी वगैरह की ब्रांच ना हो, उसके बाद आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे अपनी छत। तो ये पूरा 16x35 फीट में हाउस प्लान मैंने क्रिएट किया है जो आपने देखा। अगर इस मॉडल की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। तो ये पूरा मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछें। कोई मॉडल बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का एक बार जरूर इस्तेमाल कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।